तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे हो। और यार अच्छे ही रहना। तो यार अपना आज जो बहुत बड़ा दिन है। क्यों बड़ा दिन है? क्योंकि आज है अपनी ड्रीम राइड जो है अपनी हो रही है स्टार्ट, और हम कर रहे हैं इंटरनेशनल राइड। तो अपना जो है इंटरनेशनल राइड आज स्टार्ट हो रही है, और आज जो है देख सकते हैं यार टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 5 हो चुके हैं। तो अपने साथ जो जा रहा है आप सबको को पता ही है यार कौन जाता है, तो वही जाने वाला है अपने साथ। नहीं तो यार जो है यार वहां तक को सबसे बड़ी बात है आगे पहुंचना है, और जो अपना मेन पॉइंट है वो वहां पे मिलेंगे। देन उसके बाद यार वहां से राइड अपने यमुना एक्सप्रेस वे से जो स्टार्ट होगी। चलो भाई अपना फ्रेंड आ चुका है, नहीं वेट करते करते। चल भाई, और कैसा है? कैसा है भाई? बढ़िया, बस बढ़िया। और बाइक चलाने मजा आ रहा है? दोस्तों देखते ही देखते अब यार हो चुका है, देखिए 5:29 और यार उजाला हो चुका है। और यार सुबह सुबह जब मॉर्निंग राइड करते हैं ना यार, उसका तो मजा ही अलग होता है मॉर्निंग राइड में यार। और मौसम यार बिल्कुल बेहतरीन वाला हो चुका है, क्योंकि रात को हुई थी बारिश और आंधी। यार रात को बहुत आंधी और तूफान आए थे, जिसकी वजह से यार आज मौसम जो है अच्छा हो गया, ठंडा है। और जो बाइक चला रहे ना उसमें भी आ रहा है अपने को मजा, क्योंकि यार जो मजा है ना वो यार, और ठंडा मौसम और मिल जाए तो यार राइडिंग का मजा पूरा मजा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का ग्रेटर नोएडा में है स्वागत। तो यार हम चुके हैं, कर चुके हैं ग्रेटर नोएडा में एंट्री, यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। तो अपने को बोर्ड भी आ गया यमुना एक्सप्रेस वे का, और सामने ऊपर बोर्ड है, पढ़ के बताते हैं सामने तो बोर्ड जो है वो कौन सा है। और यहाँ से जो है अपना आगरा रह जाता है 184 किलोमीटर। बाइक चल चुकी है 82 किलोमीटर जब से हमने फ्यूल अप करवाया, और फ्यूल अप जब रात को करवाया था उसके बाद घर आने तक था 10 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट मतलब 72 किलोमीटर हमने कवर कर चुके हैं। तो यार अच्छे ही मतलब स्पीड से जा रहे हैं। और यहाँ से जो है पटरा रह जाता है 100 किलोमीटर और 159 आगरा। तो यार तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है अपना दिन का पहला टोल जो है 1 किलोमीटर। यहाँ आगरा तक का भैया 205 दोनों का कर देना। हाँ दोनों, इसका पीछे वाले की पर्ची पीछे वाले को दे देना, ठीक है ना? चल ठीक है, चल। फ्रेंड्स यहाँ पे अपना था पहला ब्रेक सिवा ढाबा पे, ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं यहाँ पे 52 मिनट्स। और यहाँ से यार निकल पड़े हैं हम अपने जो है आगे के लिए। अब सीधे यार यहाँ से रोकेंगे आगरा, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया। अब यहाँ से जो है आगरा रोकते हैं सीधे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। तो यार जल्दी जो रास्ता कवर करना है वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी बाइक में लग चुका है क्रूज कंट्रोल, और देख सकते हैं यार हमने छोड़ चुके हैं बाहर, और क्रूज कंट्रोल जो है अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो है यार क्रूज कंट्रोल जो है बहुत अच्छे से, जिसे बोलते हैं ना वो चीज़, अभी और यूज करेंगे तो यार और भी ज्यादा मजा आएगा। अभी आगे यार क्रूज कंट्रोल जो है अपना देख सकते हैं यार, अभी छोड़ देते हैं और ये देख सकते हैं अपना क्रूज कंट्रोल वर्क कर रहा है बिल्कुल बेहतरीन वाले, जिसे बोलते हैं ना वो चीज। अब यहाँ से जो है अपने को क्रूज जो स्पीडिंग लगा देंगे 100 किलोमीटर पे। तो यार बस 100 या 100। तो यार यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे टोल के लिए, और अपने को करवानी है पर्ची चेक। हो चुका है, और यहाँ से अपना 2 टोल क्रॉस। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अब अपने जो है दिन के तीसरे टोल पे 8 पे 8। तो ये हम पहुंच गए
ले भैया। हो गया ये। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं अपने को दिख चुका है ताज महल का बोर्ड। आई थिंक यहाँ से जो है पास ही होना चाहिए, यहाँ से जो है आगरे का जो कट यार पास में ही है ऑलमोस्ट, और पहुंच चुके हैं यार आगरा 3.25 घंटे में। कैसा मजा आ रहा है? मस्त यार, एकदम मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ट्रैवलिंग में, बहुत मजा आ रहा है। काफी लंबे टाइम बाद हमने बाइक से ट्रैवल किया ना, ये अगस्त के बाद आ रहा है, पूरा लगभग एक साल नहीं बाइक से बोल रहा हूँ, टाबू वाला जबर के बाद हमारी ये ट्रिप है यार, गर्मी इतनी है बेहिसाब, लेकिन मजा आ रहा है। हमने मंगाए पराठे, पराठे खाते हैं, पराठे खाएंगे, भूख बहुत तेज लगी है यार यहाँ से, यार यहाँ पे करेंगे मस्त मजा। एक बाइट लूंगा और बताऊंगा मैं कैसे लग रहा है, कैसा टेस्ट? अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, तंदूरी होता तो और मजा आता। अच्छा हाँ, तो चलिए मैं भी एक बार लेता हूँ। भाई तो अपने टैंक हो रहा है यहाँ पे फुल, पेट्रोल का क्या रेट हो गया यहाँ पे? 94.25 दिल्ली से सस्ता है, मतलब 50 पैसे नहीं, 50 पैसे का डिफरेंस है अभी इसमें और इसमें, कितना आ रहा है। इतना यार यहाँ पे अपनी करते हैं ट्रिप भी जीरो, और यहाँ पे आते हैं ट्रिप भी ए का है 29.6 किलोमीटर की माइलेज दिखा रहा है। फ्रेंड्स हमने लगाया यहाँ पे लखनऊ का मैप और ये दिख रहा है 4 घंटे 11 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और यहाँ पे बच चुका है 10:19, मतलब 10:20 ही हो चुका है ऑलमोस्ट। ये बोल रहा है कि हम 2:30 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच जाएंगे अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, देखते हैं यार कितना टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख चुका है, देखिए लखनऊ एक्सप्रेस वे टू द लेफ्ट जाना है अपने को, तो यहाँ से जो है अपने को लेना होगा टर्न लेफ्ट की साइड, जो भी जाना है अपने लखनऊ एक्सप्रेस वे के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में आपका अपना स्वागत है, मतलब ये देश का सबसे लंबा, अपने इंडिया का जो है सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बना हुआ है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो देख सकते हैं यार यहाँ पे देखिए चढ़ते ही कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं यार, बहुत ही मतलब शानदार जिसे बोलते हैं ना, देखने में यार दिल खुश हो गया। और बताते भी हैं मैं उसमें फर्स्ट टाइम है, बता इस टोल का बताते हैं कि ये टोल मतलब रोड जो है बहुत ही अमेजिंग बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से जो है अपना टोल रह जाता है मतलब 500 मीटर यहाँ से अपना जो है टोल मिल जाता है, अपना लखनऊ एक्सप्रेस वे का पहला टोल ये रहा टू व्हीलर के लिए। किसी का भी कर दो कोई नहीं, आगे पीछे हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में ही जाने वाले हैं। दोनों का 660 रेट बढ़ गए क्या? 325। हाँ जी साइड है, जॉब है। कैमरे कितने कितने हैं ये बताओ, कैमरे कितनी कितनी जगह है दूर है इधर के? अच्छा तो अब ये कितने टोल आ रहे हैं, कितने टोल आ रहे हैं बीच बीच में, कितने टोल आ रहे हैं? अच्छा सीधे एग्जिट टोल लिया, अच्छा 3 घंटे में पहुंचना है कुल मिलाकर।
यार बढ़िया है, हम यहाँ पे करवा लेंगे एकदम फुल पेट्रोल। ये सब डीजल है और यहाँ पे है पेट्रोल। पहुँच चुके हैं दूसरे पेट्रोल पंप पे और फ्यूल अप करवा रहे हैं सेकंड टाइम। तो यहाँ पे है फ्यूल का रेट है 94.93। फिल कर दो भैया। ठीक है, यहाँ पे करवा लेते हैं इसे फुल। चैनल का नाम देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइड में, देखना है यूट्यूब पे आओगे। भैया मुस्कुराते हुए हैं। भैया कितना नेपाल जाने वाले बहुत बाइक आती होगी यहाँ पे है ना, क्योंकि लखनऊ के बाद स्टार्ट पे यही बंदा भरवाता है 200-250 किलोमीटर पे। तो दोस्तों हमने करवा लिया फ्यूल अप और फ्यूल अप करवा के दोबारा आ चुके हैं ऊपर हाईवे पे। यार काफी टाइम जो है हमने मतलब हाईवे पे मतलब लिमिटेड पेट्रोल पंप है, बिल्कुल दो पेट्रोल पंप है, आई थिंक एक पीछे और एक ये वाला पेट्रोल पंप है। इसके अलावा अपने को कोई पेट्रोल पंप अभी हाईवे पे नहीं दिखा इस वाले रूट पे। यार जियो का था ये बढ़िया मतलब सही रहा कुल मिला के। अब देखते हैं यार कहाँ तक पहुँच पाते हैं कहाँ तक नहीं, बस यही है कि हाँ अपना जो है 3 बजे तक या 3:30 यहाँ से 100 किलोमीटर रह जाता है जो है अपना जो है लखनऊ रह जाता है 100 किलोमीटर। तो यहाँ से 1 घंटे में अगर 3 बजे तक कवर कर लेंगे तो यार बहुत बढ़िया रहेगा अपने लिए भी और वैसे भी, क्योंकि भूख भी लगने लगी है। फ्रेंड्स यार बहुत देर मतलब ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर चलाने के बाद बहुत हालत देख के लग रहा हुआ गरीबों की, तो यार बड़ी हालत हो चुकी है। नहीं कैसे हालत है भाई? हालत तो हो गई है, हालत हो गई है पूरी तरह खराब। कुछ नहीं है यार हाईवे बहुत ज्यादा सूखा हाईवे है, देखो कुछ नहीं, बड़े बड़े पेड़ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या पी रहा बेचारा, इसको पीने के लिए पानी भी नहीं मिला है। ब्लू कॉन्डी बहुत बढ़िया चीज है। और देखो यार पूरा यहाँ से वहाँ से पूरा पीछे से गीला हो गया, यहाँ पूरा दर्द हो चुका है और बैंड बज चुकी है, बॉडी के हर पार्ट में हर जोड़ में दर्द हो रहा है भाई। 180 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम जब से पेट्रोल फ्यूल अप करवाए चल चुके हैं, 185 चल चुके हैं और 150 अभी तक बचा हुआ है यार, उसको पीते हैं और एनर्जी रिकवर करते हैं यार दोबारा से। ये देख सकते हैं ये मतलब ब्रिज ऊपर से बन रहा है और यहाँ देख सकते हैं नीचे जा रही है नदी, नदी जा रही है कोई यार पता नहीं क्या है, मतलब पूरे खेत है पानी भरा हुआ है नीचे और यार ऊपर से ये जो ब्रिज जा रहा है यार साइड के नजारे बहुत ही शानदार और सुंदर लगते हैं। ये देखते हैं नदी नहीं है पता नहीं क्या चीज है, मतलब समझ में नहीं आ रहा नदी है क्या है, बट जो व्यू आ रहा है वो एक नंबर का आ रहा है यार। बस व्यूज जो जिस काम के लिए हम जा रहे हैं व्यूज के लिए यार वो व्यू देखने में मजे नहीं आए तो यार क्या ही मजा आया, बहुत बढ़िया है एकदम शानदार। तो फ्रेंड्स इधर से लखनऊ जाता है लेफ्ट और एक्सप्रेस वे एंड हो जाता है, यहाँ से मोहन है यहाँ से राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ से देखते हैं कि अपने को जो जाना है वो आई थिंक राइट से होते हुए बाईपास निकलेगा, वहां पे निकलेंगे हम। तो दोस्तों अपने ले लिया है राइट कट मोहन की तरफ, तो यहाँ से अपने को जो है लखनऊ बिल्कुल बाईपास कर देंगे, क्योंकि यार अगर किसी भी सिटी में अंदर एंटर हो तो लगभग जो 1-1.5 घंटा मिनिमम जो है लग ही जाता है। तो यार हम इसको यहाँ से जो है एग्जिट करते हुए अब सीधे निकल रहे हैं, बाईपास करते हुए सीधे जो है लखनऊ बाईपास कर देंगे, फिर उसके बाद यार एक ब्रेक लेंगे नेपाल काठमांडू अंदर मतलब घूमते हुए जाएंगे। अभी उदयपुर तक घूम के आ गए, लद्दाख ले लद्दाख सियाचिन वो पूरा एरिया घूम लिया। हाँ जी पहला नहीं है, उससे पहले और भी कर चुके हैं बात, यहाँ की साइड पहला है। हाँ बिल्कुल ओके थैंक यू सर। गाड़ी ट्रेन खड़ी हुई है नीचे देख सकते हैं यार, और ऊपर ये मैंने ब्रिज ये कहीं पे मतलब किसी की वीडियो में देखा हुआ है पता नहीं क्या, मगर यार बहुत मस्त लगता है ये वाला ब्रिज। दोस्तों ये जा रहा है सीधे सुल्तानपुर निजामपुर और ये रुकमिना लेफ्ट में जा रहा है रुकीवाबाद, बाकी अपने को जाना है यार बिल्कुल सीधे। ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा यहाँ पे भैया?
अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा घूमने की बोल रहे हैं। ये भी भारी बार है भाई, ये पीछे वाला जो है जिस पे हम चल रहे हैं वो भी भारी बार है। हाँ जी भैया, ये हाथ की हवा रोकने के लिए है, हवा हवा रोक लेती है गिरने के लिए, ऐसे सब चीज काम में आती है। चलो ओके भैया, मतलब आगे आ गए थे तो उसको हम पीछे से जा रहे हैं, मतलब एक आध किलोमीटर आगे चले गए थे, एक किलोमीटर भी नहीं था, उससे कम ही था। हम यहाँ से जा रहे हैं पीछे की साइड और यहाँ से ले लेंगे सीधे जो है अपना लेफ्ट टर्न, जो कि होगा बाराबंकी की तरफ जो जा रहा है रास्ता, उसकी तरफ जाएंगे। फैजाबाद वाला कट है ये, फैजाबाद कट से अपने को बताया था राइट, तो यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट, क्योंकि वहां से आते तो राइट होता है, यहाँ से हो गया लेफ्ट और यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। अयो तो दोस्तों देखते ही देखते देख सकते हैं यार कितने रात हो चुकी है, मतलब शाम का टाइम हो चुका है 6:50 और यहाँ से रह चुका है गोरखपुर 164 किलोमीटर और बस्ती था पीछे वाले बोर्ड पे 100 किलोमीटर और अयोध्या था 30 किलोमीटर। तो फ्रेंड जो बस्ती 83 किलोमीटर बस्ती रह गया 83 किलोमीटर पूरे। अयोध्या में आते ही देखिए यार कितनी ज्यादा लाइटिंग हो रखी है इधर पूरा पूरा, और आई थिंक यहाँ से कोई कट भी जा रहा होगा अयोध्या मंदिर के लिए, देख सकते हैं ये लिखा हुआ आई थिंक यहाँ से लेफ्ट जा रहा है अयोध्या के लिए, और हम सीधे बाईपास से निकल जाएंगे यहाँ से। ये जा रहा है अयोध्या के लिए कट, एयरपोर्ट के लिए कट भी यहाँ से लेफ्ट है। अयोध्या और अपने देखिए वहां से देखिए कितना, और ये नीचे आई थिंक जो है सरयू नदी जा रही है यानी। यहाँ पे यार अपने कुछ भाई लोग मिले जो कि है मथुरा से। हाँ भाई कहाँ से हो, क्या नाम है? सूरज, सूरज और रोहित भाई। चलो यार मिलके अच्छा लगा दोनों से, ठीक है। देखना यार पहुंच चुके हैं बस्ती टोल प्लाजा। अब यहाँ पे यार बता रहे थे निया रेस्ट ही यहाँ पे जाए अपने को मिल जाएगा रूम क्रॉस करने के बाद ही, यहाँ पे होटल्स बता रहे थे शुरू हो जाएंगे।